कि 2019 के की तुलना में 2024 में क्या बदलेगा? हम लोगों का चुनाव अलग अलग होने से लगभग हम लोगों को 19 सीट का नुकसान हुआ। इस बार कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हम इस चुनाव में 12 महिलाओं को फील्ड में उतार दिया है। तो आज इस जगह पे महिलाएं के लोग के लिए सशक्तिकरण है तो हमारे आदरणीय मोदी। बहुत ही दुखद बात है कि यदि उस तरह का लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं तो साफ दिखता है कि कितना बस्ती तुरंत बसा तो कहां से लोग आए, और जब रिपोर्ट मांगते हैं तो प्रशासन और सरकार उस पर जीरो बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जिनके बल पर, जिनके ताकत पर आज झारखंड मिला, आज उनका भी सम्मान नहीं मिलता। उनको चाहिए था कि महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाएं हमारे कैसे सुरक्षित रहे, यह योजना लाना चाहिए। कितना माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए चुनाव की अब प्रक्रिया शुरू हुई है और इस प्रक्रिया के शुरुआत के बाद हम लोग अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, आज रामगढ़ में है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो आप देख रहे हैं, ये तो आप ही माहौल का बता सकते हैं कि क्या माहौल है। मैं तो खुद बताएंगे तो बोलेंगे आप देख रहे हैं, ये चीज़ आप ही बताइए जनता लोग को। आप ही कॉन्फिडेंट लग रही है, चेहरे पर मुस्कान भी है सर, क्योंकि नाश्ते के टेबल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस बीच को कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2019 के मुकाबले में इस ये चुनाव बदला नज़र आ रहा है। बदलाव इस बात को लेकर के है कि पिछला चुनाव आप और बीजेपी अलग अलग लड़े, लेकिन इस चुनाव में देखिए बदलाव क्या है कि आज आपके कंधे पर जो आपने ये अंग वस्त्र धारण किया है उस पर कमल का निशान है, और ये कितनी ताकत दे रहा है आपको? एनडीए का गठबंधन है और एनडीए गठबंधन के ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा भी हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, हम लोगों को सफलता मिला था, और 2019 में हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को मिला था। लेकिन इस बार हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार 5 साल का कार्यकाल रहा है इससे पूरे लोग त्रस्त है, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध, सारा चीज़ों का ग्राफ जो बढ़ा है, तो हम यही कहें कि पब्लिक आक्रोशित है और सरकार इस बार बदलेगी। आप कह रहे हैं सरकार बदलेगी, दूसरी तरफ बीजेपी ने आज बरहेट और टुंडी से भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो अब बीजेपी ने अपने पत्ते पूरे स्पष्ट कर दिए हैं, आंसू 10 सीटों पर लड़ रही है, कैसा होगा परफॉर्मेंस? क्योंकि 10 सीट हम लोगों को गठबंधन में मिला है, 2 सीट जदयू को, 1 लोजपा को मिला है, निश्चित है तालमेल हम लोगों का अच्छा है और तालमेल के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार बहुमत के साथ हम लोगों का सरकार बने। जिस तरह से मैं सवाल करना चाहूँगी सुनीता जी से, सुनीता जी तीसरी बार पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और रामगढ़ को अगर हम देखें तो आजसू का गढ़ माना जाता है। 2019 में आपको मौका मिला था, फिर 2023 के उपचुनाव में आप जीत हासिल की और लगातार 1.5 साल से आप काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, तो क्या कुछ बदलाव आया है इन 1.5 सालों में? देखिए ये तो देखे होंगे 3.5 साल जो 19 में जो चुना गया था, जिनको चुना विधायक चुना गया था और बदलाव चाहिए था, तो बदलाव करके भी हमारी जनता देख ली है ना, तो उनको यही, और मैं 1.5 साल का मौका मिला तो मैं 1.5 साल में बहुत काम की, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड का, बिजली का जी, या बड़ी सारी समस्याओं के लिए। इस बार जो आपका सीधा टक्कर है वो पिछली बार जो 2019 में अगर हम कहें जिनके साथ आपका टक्कर था, ममता देवी जी की बात करेंगे, उनके साथ ही फिर से एक बार टक्कर होने जा रहा है, टक्कर नहीं जी, बिल्कुल आप जीत के लिए निश्चिंत हैं? निश्चिंत हैं बिल्कुल जीत के लिए। तो आगे आने वाले सालों में अगर जीत हासिल होती है तो किस तरह का काम करेंगी, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगी? शिक्षा के ये में ये सभी चीज हो चुका है, रामगढ़ जिला बना, हमारे माननीय गिर संत जी बनाए, उसके बाद ही सभी कार्य का विकास हुआ, और एक केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेडिकल कॉलेज जी। मतलब आप इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज देना चाहते हैं? यहाँ के बच्चों को तकलीफ ना हो बाहर जाने के लिए, उसकी समस्या जितने भी गरीब बच्चे हैं पढ़ सके और अध्ययन कर सके और अपने पैरों में खड़ा हूँ। क्योंकि आप खुद भी एक टीचर है, आप शिक्षा का महत्व को समझती हैं, तो ये इस इलाके में
लोग और जागरूक हो, साक्षर हो, तो इसके अलावा और आप क्या सोच रहे हैं कि बेसिक लेवल पर भी प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से आप लोग और सुधार करने की कोशिश करें? देखिए, एजुकेशन के मामले में तो हब बना हुआ है यहाँ, शिक्षा के मामले पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके साथ साथ 10+2 सारे जितने हैं सभी हमारे सांसद जी ने कर चुके हैं, और केवल एक बचा हुआ है ये मेडिकल कॉलेज, तो मैं उसको करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन सर, स्पीच को कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो है उठाए जा रहे हैं आपके तरफ से भी, उनके तरफ से भी। इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है बीजेपी या एनडीए कैंप की तरफ से, वो है जिसको लेकर के आपने भी जिक्र किया, बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज। आपको क्या लग रहा है ये एक मुद्दा बनेगा जिसके आधार पर आप लोगों को जीत हासिल होगी? देखिए, बहुत बड़ा विषय है और ये राष्ट्र का मुद्दा है, और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी का घुसपैठ बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं राज्य सरकार का संरक्षण उनको मिल रहा है, उन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि उनको उनके फेवर में जितना भी अधिक से हो सकता है सरकार उसको सपोर्ट कर रहा है। बंगाल में भी यही है, इस बार धीरे धीरे झारखंड में यह बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में यदि इस पर अंकुश नहीं लगाएगा तो राष्ट्र को भी काफ़ी क्षति होगा और हम लोगों को भी काफ़ी क्षति होगा। इसलिए हम लोग, इस बार सरकार बनेगा तो इस पर हम लोग अंकुश जरूर लगाएंगे। लेकिन पक्ष की जो सरकार है अभी, हेमंत सरकार, उनका तो लगातार ये दावा है कि इन 5 सालों में ही डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हुआ होगा, और जो अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, सीमा की सुरक्षा, तो वहां से अगर लोगों की एंट्री हो रही है तो इसमें हम कहां दोषी है, हम कैसे इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पहले से ही हो रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस के समय, कांग्रेस जो देश आजादी के बाद में जो कांग्रेस रहा 60 साल 65 साल कांग्रेस शासन किया, उस समय से ही चल रहा है। तो सबसे बड़ा काम कांग्रेस क्या, जब देश आजादी के बाद उनको सत्ता मिला, प्रधानमंत्री बने, तो उनको बॉर्डर लाइन सील करना चाहिए, और जब से नरेंद्र मोदी जी हैं तब से प्रयास किया, और अभी काम भी चल रहा है उस पर, कि कई बार चीन के साथ हुआ, हम लोग पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हुआ हम लोगों का, तो इस तरह से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को हम लोग पूरा रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि किसी तरह घुस भी जा रहे हैं, मान लीजिए कभी बॉर्डर लंबा घुस गया तो उसको चिन्हित नहीं कर पा रहे लोग, जिला प्रशासन का ड्यूटी है कि यदि कहीं लोग घर बना रहे हैं, कहीं लोग बस जा रहे हैं, अचानक बस्ती बस जा रहा है, तो इस तरह से कभी सुध लेने का काम नहीं किया। हमने रिपोर्ट भी मांगा, जैसे अपने ही गिरिडीह जिला का हमने रिपोर्ट मांगा, हमने लिख के दिया, तो डीसी का जवाब आया कि एक भी नहीं। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि यदि उस तरह का लोग, जब हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं, तो साफ दिखता है कि कितना बस्ती तुरंत बसा, तो कहां से लोग आए, और जब रिपोर्ट मांगते हैं तो प्रशासन और सरकार उस पर जीरो बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। आखिर ये विषय जो आ रहा है, ये विषय आने से ही साफ होता है, आखिर यदि नहीं आता तो ये विषय क्यों आता? लेकिन आप, मेरा एक सवाल ये है कि आप डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे हैं, इस बीच आप देख रहे होंगे कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मैया सम्मान योजना का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने मैया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को इसका लाभ दिया। मैया सम्मान नहीं है, मैया लोगों का अपमान किया गया। यदि आप 1000 रुपया में मैया का सम्मान कर सकते हैं, वो भी चुनाव के वक्त, चुनाव के समय में, एक दिन में 33 रुपया यदि किसी महिला को आप देते हैं, तो आज के समय में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। सरकार को चाहिए था कि जिस समय सरकार बना, 2019 में बना, उसी समय यह योजना लाता, यह महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट हैं उसको सपोर्ट करते, तो एक महीना में 1000 क्या, डेली 500 रुपया कमा सकते थे, प्रत्येक दिन कमा सकते। सरकार बिल्कुल, यह चुनावी घोषणा है, और अपने पुराने वादे को, 2019 में जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं कर सका, और उसको छिपाने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए भैया बहुत ही अच्छा योजना, जबकि नौकरी के मुद्दे पर जाए, युवाओं को ठगने का काम किया गया, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बात किया था, कांग्रेस तो इतना कहा था कि घर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये सब खाली चुनावी घोषणा रहा,
और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, जिस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सरकार बना, आंदोलनकारी का बेटा करके बना, लेकिन आज तक एक भी आंदोलनकारियों को भी सम्मान नहीं मिला। आज आंदोलनकारी भी काफी चिंतित हैं, आखिर जो जिनके बल पर, जिनके ताकत पर आज झारखंड मिला, आज उनका भी सम्मान नहीं मिल रहा। तब कैसे बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन किसी को सम्मान कर रहा है? जितना आपराधिक घटना महिलाओं के साथ हुआ है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 7,000 से भी अधिक हुआ है आपराधिक घटना, अत्याचार हुआ, तो आज तक झारखंड में तो इतना नहीं हुआ नहीं था। उनको चाहिए था कि महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाएं हमारे कैसे सुरक्षित रहे, यह योजना लाना चाहिए कि यह जागरूकता लोगों को लाना चाहिए, और महिलाएं कैसे अधिक से अधिक शिक्षित हो, पढ़े, इसके लिए उनको लाना चाहिए। उसके लिए कोई योजना उनके पास नहीं, तो यह सिर्फ चुनावी लुभावना योजना। तो इस बीच को कि आप खुद को कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़वा रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में है। आंसू की 10 सीटें एक तरफ है, दूसरी तरफ गठबंधन की पार्टियों की भी सीटें हैं। ऐसे में मेरा सीधा सवाल ये है आपसे कि 2019 के तुलना में 2024 में क्या बदलेगा? क्योंकि तब जब बीजेपी के पास आधे दर्जन से भी ज़्यादा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देखिए, चुनाव के हिसाब से, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो पिछले 2019 में हम लोगों का चुनाव अलग अलग होने से लगभग हम लोगों को 19 सीट का नुकसान हुआ था। भाजपा आसू दोनों मिला के यदि हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों को 19 सीट का लॉस हुआ, तो इस बार हम लोगों का प्लस होगा। तो हम लोगों का बिखराव के कारण उनको फायदा मिला था। बाकी ऐसा यदि कोई कहता कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, और हम लोगों का वोट का बिखराव हुआ था जिसके कारण उसका फायदा मिला था, लेकिन इस बार कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। हम लोग मजबूती के साथ, एनडीए के साथ हम लोग। मैम, क्योंकि रामगढ़ एक ऐसी सीट हो गई है जहां पर चाहे यूपीए की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों के ही कैंडिडेट महिला हैं। इसे आप एक अच्छा ट्रेंड मानती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ करके मौका दिया जा रहा है चुनाव लड़ने में, और महिला किया जा रहा है? और बीजेपी ने जिस तरह से आप देखेंगे कि इस चुनाव में 12 महिलाओं को फील्ड में उतार दिया है, तो एक बड़ा नंबर होता है, 66 में से 12 महिलाओं को सीट देना और लड़ने का मौका देना, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए कितना खास है? देखिए, महिलाओं के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, तो आज इस जगह पे महिलाएं लोग के लिए सशक्तिकरण है, तो हमारे आदरणीय मोदी जी। आप नारी शक्ति की तरह उभर कर आ रही है रामगढ़ में, आपको जनता ने चुना है, 1.5 साल में आपने काम किया है, और इस बार फिर से एक महिला से ही आपका टक्कर है, तो कितना आप मानती है इस टक्कर को, कितना स्ट्रांग होने वाला है ये? जनताओं से जाके पूछिए कि कैसे हम टक्कर, मतलब